Okay, now coming to the last and very, very important function performed by the central bank, which is controller of money supply and credit. जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई है इंडिया के कंटेक्स्ट में, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है. क्रेडिट क्रिएटर कौन है? हु क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी? ओके, एनीवन एल्स? क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल. हु क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी? बेटे लोन कौन एडवांस करता है? आरबीआई करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं. यस मौलिक, कमर्शियल बैंक्स आर द क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट. दे आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द मनी सप्लाई. देर आर टू मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स. हाउ आरबीआई कॉन्ट्रीब्यूट टू मनी सप्लाई? By printing new currency note. Is that all the money supply in the economy? No. Money supply is a sum total of currency and demand deposits. What are demand deposits? वो हमारे deposits, accounts जो कि हमने bank में खोले हैं, ठीक है. तो वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो हम अपने पैसे देके खुद बैंक में जाके खुलवाते हैं, वो प्राइमरी डिपॉजिट हो गए. उन डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रख लेता है और बाकी क्या कर देता है? लैंड आउट कर देता है. जब वो लैंड आउट करता है, वो कैश की फॉर्म में नहीं करता. कैसे करता है? वो बॉरोअर के नाम का एक अकाउंट खोल देता है, जहां से वो अपनी मनी को विदड्रॉ ऑन डिमांड कर सकता है. विच मींस ये जो लोन अकाउंट खुला, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट. इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं. तो बेटे प्राइमरी डिपॉजिट तो हमने आरबीआई के पैसे जो छापे हुए थे उसके थ्रू खुलवाया, लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट के करके जो मनी सप्लाई बढ़ी, वो उसका कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, क्रिएटर कौन है? कमर्शियल बैंक्स हैं. यस, जस्ट वेट. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ आरबीआई और सेंट्रल बैंक इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. बेटे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है. पहली बात, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब क्या? Sometimes there is a need to expand the supply of money. Sometimes there is a need to contract the money supply. Today, due to pandemic, due to lockdown, we are facing the situation of what situation? Falling demand. हमारी कंट्री डिप्रेशन में जा रही है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हुई हुई है. तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना चाहिए. उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा, लोग गुड्स की डिमांड करेंगे. जब गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी लिफ्ट होगी. यस, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी. शॉर्ट टर्म्स में डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन कम हो रही है. उसको उठाना, सोल्यूशन क्या होगी? प्रॉब्लम क्या है? फॉलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो सोल्यूशन क्या होगी? लिफ्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, प्रॉब्लम है. तो सॉल्यूशन क्या है? आप फेल हो रहे हो क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, पास हो जाओगे. यही केस इकोनॉमी का है.
इकोनॉमी में डिप्रेशन है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिफ्ट करना है। अब कैसे लिफ्ट कर सकते हैं? मनी सप्लाई को बढ़ा के। कैसे कर सकते हैं? मनी सप्लाई को बढ़ा के। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा है, लोग कह रहे हैं कि इतनी महंगाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? एनीवन? प्राइस लेवल किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? मनी सप्लाई के ऊपर। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, राइट सुहानी? प्राइस लेवल, मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ता है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, लोगों के पास कम पैसे रहेंगे, लोग गुड्स की डिमांड कम करेंगे, गुड्स की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आने लग जाएंगे। यस, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन आई इंडिया में, पहले प्राइवेट सेक्टर में लग रही थी 200 रुपए की, डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन कम है, अब प्राइवेट सेक्टर में लग रही है 900 की। यस, डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस बढ़ेंगे। कल को ये खत्म हो जाएगा, पेंडेमिक कोविड खत्म हो जाएगा अगर वैक्सीनेशन हो गई लोगों की, ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। सो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइसेस को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कम करो ताकि डिमांड रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है। नाउ हाउ आरबीआई डज दैट? आरबीआई इज द मेन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और एनी कंट्रीज सेंट्रल बैंक। इट मेक्स यूज ऑफ वन पॉलिसी विच इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज मनी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी। सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी का इस्तेमाल करता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, दैट पॉलिसी इज नोन बाय द नेम ऑफ, मनी को कंट्रोल करना ना तो मनी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस पॉलिसी, वी क्लासिफाई ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बेटे, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच फोकस ऑन द क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल द क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हमारी मनी सप्लाई जो है वो इस टाइम पे लेट अस सपोज 5,000 करोड़ रुपए है, वी वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इट टू से 4,200,000 करोड़ और वी वॉन्ट टू एक्सपैंड इट, ठीक है, देन वी मेक यूज ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम मनी सप्लाई की क्वांटिटी को अफेक्ट करना चाहते हैं देन वी मेक यूज ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। बाय मेकिंग यूज ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वी अफेक्ट द होल वॉल्यूम, हम किसी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर टारगेट नहीं करते, ओवरऑल क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कमिंग टू द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बेटे, समटाइम्स वी नीड टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया, सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज। अब देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है,
ट्रेडिंग सेक्टर है, ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। अब हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा मनी सप्लाई हो। वी वॉन्ट मनी टू एक्सपेंड, मनी सप्लाई टू बी एक्सपेंडेड इन स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर। देन देयर इज वन रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट में प्राइसेस, यू नो व्हाट इज रियल एस्टेट बेटे? प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी। सो इट्स अ कॉमन फैक्ट, सबको पता है कि इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस कैसे शूट अप कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग 10 साल पहले 10 लाख की थी, आज वो 1 करोड़ की होगी। सो प्राइसेस आर शूटिंग लाइक एनीथिंग। सो लेट अस से वी वॉन्ट टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस इन रियल एस्टेट सेक्टर, तो क्या करोगे? यहाँ पे मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर दो। बेटे आज लोग क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई है, लोगों के पास पैसा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? लोग बैंक से लोन ले जा रहे हैं। बैंक लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, मतलब मनी सप्लाई इज देयर। मनी सप्लाई है तो प्राइसेस भी बढ़ गए, ठीक है ना। अगर बैंक्स रिफ्यूज टू गिव लोन टू दीज पीपल, तो इस सेक्टर में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस कंट्रोल आ जाएंगे। मनी सप्लाई और प्राइसेस में पॉजिटिव रिलेशन है ना बेटे। प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग घर खरीद रहे हैं। कल को लोग कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से खरीदें? तो डिमांड जब कम आ जाएगी तो ये जो बिल्डर है ये कहेगा कोई बात नहीं, आप ले लो, मैं कम पैसे लगा देता हूं। यस, प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को रेगुल में मनी सप्लाई रेगुलेट करना चाहते हो, और इन अदर वर्ड्स यू वॉन्ट टू कंट्रोल दी डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, यू मेक यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इफ यू वॉन्ट टू अफेक्ट दी क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, ओवरऑल क्वांटिटी, यू मेक यूज ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स? वन बाय वन वी विल बी स्टडिंग दीज इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रेपो रेट। ऑल्सो लिखते इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, और मैं नोट्स एज सच नहीं दे रही हूं, लेकिन रिलेशन लिखते जाना है आपने, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रीपरचेज रेट। ऑल्सो नोन एज रीपरचेज रेट। नाउ वॉट इज अ रेपो रेट एंड हाउ इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना मतलब हो सकता है मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना है, हो सकता है मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज रेपो रेट। वॉट इज रेपो रेट बेटे? रेपो रेट इज द रेट, सुन लो, डू नॉट राइट, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। यस्टरडे आई टोल्ड यू समटाइम्स कमर्शियल बैंक्स आर ऑल्सो इन नीड ऑफ मनी, सो आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो लेट अस से देयर इज अ कमर्शियल बैंक हैविंग द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1000 करोर, आफ्टर कीपिंग 20% एज लीगल रिजर्व रेशियो विद इटसेल्फ, इट इज हैविंग 800 करोर एक्सेस कैश रिजर्व्स, बट पीपल वॉन्ट
900 करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स, इट इज 100 करोड़ शॉर्ट ऑफ मनी, सो इट कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। बेटे ये आरबीआई है, ये बैंक्स हैं, ठीक है, ये जो है ये जनरल पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो ये किसको अप्रोच करते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जब लोन दे देती है तो इसके बदले क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको पैसों की जरूरत पड़ी तो ये किसको अप्रोच करेगा? आरबीआई को। आरबीआई इसको लोन दे देगी लेकिन इससे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना। उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेपो रेट? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपरचेज रेट। जब आरबीआई इसको बैंक को, किसी भी पर्टिकुलर बैंक, कोई भी पर्टिकुलर बैंक आरबीआई को अप्रोच करेगा, आरबीआई कहेगी लाओ सिक्योरिटीज, लाओ कोई सिक्योरिटी दिखा। आपने जब लोन लिया कोई सिक्योरिटी रखी? घर रखा हो सकता है, बिल्डिंग रखी हो सकती है, कार रखा हो सकती है, कुछ भी। आरबीआई भी बोलेगा सिक्योरिटी? ये पेपर सिक्योरिटीज होती है, बैंक्स के पास सिक्योरिटीज होती हैं जो आरबीआई ने दी होती हैं, इन्होंने आरबीआई से ही खरीदी हुई है सिक्योरिटीज। समझ में आया? ये जो सिक्योरिटीज हैं, अब आरबीआई से खरीदी हुई है इन्होंने, इनके पास पड़ी हुई है। अब बैंक आरबीआई से, आपने बोला आरबीआई, इस बैंक ने बोला आरबीआई को कि मुझे ना 1 करोड़ रुपया चाहिए। आरबीआई कहता है बिल्कुल ठीक है ले लो, बट अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास 1 करोड़ की सिक्योरिटी पड़ी थी, आपने आरबीआई को वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दी। आरबीआई ने उसको डिस्काउंट करके आपको 97 करोड़ रुपए दे दिए। 3% उसने क्या काटा? डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को कहते हैं रेपो रेट, रीपरचेज रेट। आरबीआई से सिक्योरिटीज ली थी, आरबीआई ने रीपरचेज कर ली, ठीक है, आरबीआई ने रीपरचेज कर ली उन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, उसने कमर्शियल बैंक को लोन दे दिया। लेकिन 3% अपने पास रखा, ये उसका क्या है? उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। सो सिंपली स्पीकिंग, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द आरबीआई फॉर एडवांसिंग शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क right now, and my request to all of you today, when you go home, do watch commercial bank credit creation function on YouTube, theek hai, please do watch that. Or this side bete, anyone having any problem? Repo rate ka matlab samajh mein aa gaya? Acha, ab dekho, let us suppose RBI ne इस बैंक को लोन दिया 3% पे, रेपो रेट क्या चार्ज किया? 3%। ये बैंक मेरा है, प्राइवेट बैंक है, मैंने लोन लिया 3% से। अब ये कितने सारे लोग मेरे पास लोन लेने के लिए बैठे हुए हैं, मैंने इनको लोन दे दिया आगे, आई विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम देम? आप मेरी जगह होते तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करते? 3%, 2%,
4%, 3% या 3% से कम या 3% से ज्यादा? ज्यादा। क्यों? आपको अपना भी तो प्रॉफिट रखना है ना। तो लेट अस से आपने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ बाय रेपो रेट आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। आजकल डिप्रेशन चल रहा है, मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी हमने तो क्या करना चाहिए आरबीआई को? आरबीआई ने क्या स्टेप उठाया मैं बता देती हूं आपको, आप मुझे बताना ये जस्टिफाइड है या नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया, 2% कर दिया। मैं क्या करूंगी? मैं जो लोगों से लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले रही थी मैं भी कम कर दूंगी। मैं पहले कितना कर रही थी, अब मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूं? नाउ पहले मेरे पास इतने लोग लोन लेने को तैयार थे 5% पे, अब ज्यादा लोग यानी लोन की डिमांड बढ़ जाएगी। जब लोन की डिमांड बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई क्या है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, यानी मोर डिपॉजिट्स विल बी क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। यस, तो मनी की सप्लाई कैसे बढ़ी? आरबीआई ने रेपो रेट, जब आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स ने जनरल पब्लिक से कम इंटरेस्ट चार्ज किया, उसके करके लोन की डिमांड बढ़ गई। जब लोन की डिमांड बढ़ गई तो मनी की सप्लाई बढ़ जाए। यस, सो यू राइट डाउन लाइक दिस, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, या ऐसे लिखो, अगर हमें मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना है, टू एक्सपेंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, रेपो रेट वुड बी डिक्रीज्ड। जब रेपो रेट कम हो जाएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम जनरल पब्लिक विल आल्सो डिक्रीज। As a result, demand for loan will increase, which will lead to increase in money supply. ठीक है, हमारा objective fulfill हो गया। On the other hand, अगर हमें money supply को contract करना है, कम करना चाहते हैं, prices बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो RBI को क्या करना चाहिए? It should increase repo rate. As a result, market rate of interest will also increase. तो जब आपको लोन महंगा मिलेगा, आप ज्यादा लोन की डिमांड करोगे कि कम की? So demand for loan will decrease. As a result, money supply will also decrease. Is it clear? ओके, रेस्ट वी विल डू टुमारो बेटे, इतना पढ़ के आइए।